अच्छा तो भाई बच्चे, हम लोगों का जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि हमने इससे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के अंदर वर्क पावर एनर्जी तक का जो कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास के अंदर हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज वेव मोशन एंड साउंड। ऊपर टॉप पे आपको इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट लिखा नजर आ रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स एंड साउंड। हमारे सिम बोर्ड के अंदर ये चैप्टर जो है ना पूरा एक ही चैप्टर के अंदर मौजूद है, दैट इज द चैप्टर नंबर 8। लेकिन आप और कोई किताब देखोगे, किसी भी और बोर्ड की किताब देखोगे तो उसके अंदर ना दो अलग अलग चैप्टर्स ना ये बेसिकली बनाए जाते हैं। एक ऑसिलेशन होता है जिसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं, और एक वेव्स होता है जिसके अंदर आप वेव और साउंड के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हो। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक ही उसके अंदर जो है ना ये पूरा चैप्टर अच्छे से समराइज करके रिवाइज कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को अलग कर दूंगा और वेव और साउंड को अलग कर दूंगा, जैसा कि बाकी बोर्ड्स के अंदर होता है। देखो भाई, देखो बच्चे, कहानी इसकी यहाँ से शुरू होती है कि एक हमारे पास होता है टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन से मुराद होती है जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक पॉइंट के आगे पीछे मूवमेंट करे, यानी कि इसको हम कहते हैं अबाउट अ फिक्स पोजिशन। ठीक है, अबाउट अ फिक्स पोजिशन, किसी भी एक फिक्स पोजिशन के आगे पीछे अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, या इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसे हम कैसा मोशन कह देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। सर, एक और मोशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी कहते हैं। वो क्या होता है? देखो, जो हम लोग पीछे सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हैं ना, पूरा का पूरा ये सर्कुलर मोशन वाला पार्ट था, इसके अंदर क्या होता था? एक सेंटर पॉइंट होता था और इसके अबाउट में आपकी बॉडी बेसिकली क्या हो रही होती थी? मूव कर रही होती थी। ये वाला मोशन आपके पास बेसिकली कहला रहा होता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि जिसके अंदर एक कोई आपके पास फिक्स पॉइंट होता है, इसके अबाउट के अंदर जो आपकी बॉडी होती है ना वो क्या कर रही होती है? मूवमेंट कर रही होती है। तो ऐसे मोशन को हम क्या नाम दे देते हैं? दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास मोशन की एक और टाइप है या एक और करेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या बोला है? ऐसा कोई भी मोशन जिसके अंदर बॉडी अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, एक फिक्स टाइम के बाद वो मोशन रिपीट हो रहा हो, जिसके अंदर आपके पास ना टाइम फिक्स होता है और उसके बाद वो ओवरऑल कहानी वापस क्या होती है? रिपीट होना शुरू हो जाती है। इस पूरी कहानी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डेज इन अ वीक होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। अब जब एक हफ्ता खत्म होता है फिर वो 7 दिन शुरू हो जाते हैं, मंडे ट्यूसडे से लेके संडे तक जाएगा, फिर मंडे ट्यूसडे संडे तक जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास एक पीरियोडिक मोशन है। इसी तरह जो अर्थ का रोटेशन है सन के इर्द गिर्द, वो पीरियोडिक मोशन की एक मिसाल है क्योंकि वो 365 दिन बाद फिर रिपीट होता है। इसी तरह जो अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस के गिर्द, वो भी आपके पास पीरियोडिक मोशन की एक मिसाल है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पीरियोडिक मोशन होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है पहला जिसको हमने पढ़ना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि यार सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के ना तीन पार्ट्स हैं या तीन कंडीशंस हैं। पहली चीज ये है, नंबर एक, कि मोशन जो है ना वो या तो वाइब्रेटरी हो या ऑसिलेटरी हो। मोशन शुड बी वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन क्या हो गई? कि जो पार्टिकल का मोशन है इट शुड बी वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी। दूसरी कंडीशन होती है कि मोशन शुड बी पीरियोडिक इन नेचर। तीसरी कंडीशन होती है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये आपके पास तीन कंडीशंस। पहला हमें समझ में आता है वाइब्रेटरी मोशन का मतलब सिंपल क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और हमें ये भी समझ में आता है ऑसिलेटरी का मतलब क्या है? एक किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द होने वाला मोशन। पीरियोडिक मोशन से मुराद है इसमें टाइम आपका क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वाली कहानी को समझने के लिए कुछ और बेसिक समझ लेते हैं, देन ये कहानी और आसान समझ में आ जाएगी। देखो, हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी एक चक्कर पूरा करती है उसे हम कहते हैं एक वाइब्रेशन हुई या एक साइकिल हुआ या एक पल्स हुई। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई गोल घूम रहा है तो जहां से वो घूमना शुरू करता है जब वापस घूमता हुआ वहां तक आएगा तो मैं कहूंगा एक साइकिल पूरा हो गया, ऐसे ही। और हमें ये भी पता है कि अगर हम इसकी बात करते हैं और हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पे टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, हम क्या कहते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को मुकम्मल करने का जो टाइम होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, उसको हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है,
तो ये कोई एमए एमए से टाइम नहीं होता, ये खास टाइम होता है, इसको कैपिटल टी से शो करते हैं। दिस इज बेसिकली द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल। जैसे अर्थ जो सन के इर्द गिर्द रोटेट करता है वो 365 डेज है, ये बेसिकली उसका टाइम पीरियड है। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द रोटेशन राउंड द सन। सिमिलरली अर्थ जो अपने एक्सिस से गिर्द रोटेट करता है उसमें उसको 24 घंटे लगते हैं। दिस इज वंस अगेन व्हाट टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो 24 आवर्स है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। अच्छा, आप नोट करोगे तो आपको साफ साफ ये बात नजर आएगी, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। आपको साफ साफ ये बात नजर आएगी कि अल्टीमेटली ये जो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सर वो कैसे, देखो आपके पास ना दो चीजें होती हैं, एक आपके पास है टाइम और एक आपके पास है नंबर ऑफ साइकिल्स, ऐसे ही होता है ना दो चीजें। अगर आप टाइम पीरियड में देखोगे ना, तो एक आपके पास होता है टाइम, ठीक है, और एक आपके पास होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, ये दो चीजें होती हैं। आपने क्या किया हुआ है, अगर आप देखोगे ना, आपने नंबर ऑफ साइकिल को फिक्स किया हुआ है कि एक साइकिल के मुकम्मल होने में जितना भी टाइम है वो बेसिकली क्या कहला रहा है, टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी में देखो, आपने इसी का उल्टा काम किया हुआ है। अगर आप फ्रीक्वेंसी में देखोगे, फ्रीक्वेंसी में भी यही दो चीजें देखो, एक आप टाइम देखो और एक आप देखो नंबर ऑफ साइकिल्स। अगर आप इस तरह से देखते हो, आपको डेफिनेशन जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। यहाँ आपने क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ साइकिल्स को खुला छोड़ा हुआ है और टाइम फिक्स किया हुआ है 1 सेकेंड का। समझ आ गई ये बात। अब देखो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। टाइम रिक्वायर्ड, आप टाइम पीरियड में क्या कहते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल का टाइम जितना भी हो, 2 सेकेंड, 200 सेकेंड, 2000 सेकेंड, 5000 सेकेंड, वो टाइम पीरियड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, उल्टा कर दिया, 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो बेसिकली क्या कहला रहे हैं, आपके फ्रीक्वेंसी कहला रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम यू भी कहते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। इसके बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल भी कभी कभार आ जाते हैं ना, लॉटरी लग जाती है। मिसाल के तौर पे आपसे कहता है कि 50 साइकिल्स आर कंप्लीटेड बाय अ बॉडी इन 10 सेकेंड्स, बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन, बोले 50 साइकिल 10 सेकेंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉरी 50 साइकिल 10 सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं, बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, आप 50 को 10 से डिवाइड कर दोगे। 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देर आर जनाब 5 साइकल्स कंप्लीटेड पर सेकेंड। तो आप बोलोगे कि भैया इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास कितनी है, 5 हर्ट्ज है, यानी कि 5 साइकिल कंप्लीट कर रही है बॉडी कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की जो हमारे पास रिलेशन है, दैट इज एफ इक्वल्स 1/T। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का होते हैं जनाब रेसिप्रोकल। ठीक हो गया, तो एफ इक्वल 1/T, और एफ की यूनिट आप यहाँ से यूनिट और भी देख सकते हो कि एफ की यूनिट हमारे पास होती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में पढ़ के आए थे वहां भी ये बात मैंने मेंशन की थी, फिर रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का भी यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है, ओमेगा इक्वल θ/T, ओमेगा इक्वल्स θ/T। अच्छा, जो थीटा है ना, जिसका यूनिट रेडियंस था, इस थीटा का जो यूनिट रेडियन है ना, थोड़ी टेक्निकल बात है लेकिन कोशिश करता हूँ समझा दूँ। थीटा का जो यूनिट रेडियन है ना, इसको ना तो जो हमारे बुजुर्गाने फिजिक्स हैं, जो बड़े फिजिसिस्ट हैं, वो ना तो इसे बेसिक यूनिट में डालते हैं, ना इसे ड्राइव यूनिट्स में डालते हैं, वो इसको एक तीसरी किस्म की चीज में डालते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी कि फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हो कि थीटा का कोई यूनिट नहीं है, थीटा एक एंगल है और वो कहते हैं इसका कोई यूनिट नहीं है। तो बेसिकली वो इसे क्या लेके चलते हैं, 1/ में इसकी यूनिट क्या आ गई, टी। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी यूनिट भी क्या बन गई, सेकेंड इनवर्स। आपके जहन में ये सवाल आ सकता था कि सर इसकी तो यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन को ना हम बाकी तमाम यूनिट्स की तरह ट्रीट नहीं करते। दुनिया भर में जितने भी यूनिट्स हैं वो या तो बेस होते हैं या ड्राइव यूनिट्स होते हैं और लिखे जाते हैं। वाहिद थीटा के साथ ये मसला है कि इसका यूनिट जो होता है ना रेडियन या ST रेडियंस, एक 2D एंगल होता है, एक 3D एंगल होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स में काउंट करते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की वो हैसियत या वो वकात नहीं होती है जो बाकी के तमाम यूनिट्स की होती है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये एक आपके माजी का क्वेश्चन है, क्या ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, इस एंगुलर वेलोसिटी को हम एक और नाम देते हैं और वो क्या कहलाती है, बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
तो इसका बेसिक कारण ये होता है कि इन दोनों की डायमेंशन सेम आती है, और डायमेंशन सेम इसलिए आती है क्योंकि दोनों की यूनिट सेम आती है। यूनिट सेम इसलिए आती है क्योंकि थीटा को आप एक नंबर मानते हैं और नंबर इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जना कुछ बेसिक सी बातें थी। एसएचएम पे आने से पहले कुछ बातें और देख लो जरा। देखो, इसी तरह से अगर कोई बॉडी मेरे पास वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन समझ लेते हैं मिसाल के तौर पे टू एंड भाई वही है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे यहाँ से मेरे पास जो है ना एक कोई ऑब्जेक्ट हैंग हुआ हुआ है, पेंडुलम ही है क्योंकि इसमें बार बार हमारे पास पेंडुलम की शामत आ रही होगी। ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक पेंडुलम हैंग हुआ हुआ है, ठीक है, और ये जो पेंडुलम है ना ये इस तरह से एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। वाइब्रेटरी मोशन का साफ साफ मतलब ये कि वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ए पे जाता है फिर बी पे आता है और ओ से होता हुआ जा रहा है। ये जो ओ पॉइंट है ना जिसके ये आगे पीछे मूव कर रहा है, इसे हम कहते हैं जनाबे वाला मीन पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? दिस इज बेसिकली द मीन पॉइंट, ये मीन पोजीशन। जबकि ए और बी हमारे पास कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशंस। आसान तरीन भाषा में एक्सट्रीम पोजीशंस वो आखिरी पॉइंट होता है जहां तक ये जा सकता है। ठीक हो गया, इसके आगे नहीं जा सकता। अब देखो रियल लाइफ में क्या होता है और आइडियल लाइफ में क्या होता है, फिर मैं एक वीडियो का हवाला भी दूंगा, वीडियो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, लिंक भी दे दूंगा, उसको आप देख लेना। होता क्या है रियल लाइफ में, अगर आपने क्या करा, अगर आप पेंडुलम को यहां तक लेके आते हो ना, अगर आप पेंडुलम को यहां तक लेकर आते हो, मान लो ये कोई पॉइंट है, अगर आप पेंडुलम को इस पॉइंट तक लेकर आते हो, देन आप इसे फ्री टू मूव छोड़ते हो, तो पेंडुलम अल्टीमेटली मूव करता हुआ जाएगा जाएगा बी पॉइंट तक जाएगा, फिर मूव करता हुआ वापस आएगा वापस आएगा वापस कहां तक जाएगा। अब रियल लाइफ के अंदर वो वापस कभी ए पॉइंट पे नहीं आ सकता, वजह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था, पता नहीं तुमने भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है, मैंने तो पढ़ाया था। अब होता क्या है बेसिकली ए तक वापस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जाहिर है जब ये भाई साहब मूव करते हुए जा रहे हैं तो दरमियान में क्या है, एयर है, और एयर इसे क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। जब एयर इसके मोशन को अपोज करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि वो रेजिस्टेंस फेस करेगा। जब वो रेजिस्टेंस फेस करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी इस पेंडुलम की कुछ एनर्जी किस में खर्च हो रही होगी, एयर की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो रही होगी, तो अल्टीमेटली वापस ए पे नहीं आ सकता, थोड़ा ए से आगे रुकेगा, फिर आगे रुकेगा, आगे रुकेगा, हर वाइब्रेशन पे या हर साइकिल पे इसका ये जो फासला है ना मीन पॉइंट से, वो कम होता जाएगा और फाइनली ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके ओ पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ये होता है रियल लाइफ के अंदर एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन आइडियल, आइडियल उसमें क्या होता है, हम मानते हैं एयर है ही नहीं, जब एयर है ही नहीं तो ए पे जाएगा फिर बी पे जाएगा, ए से पीछे अब भी नहीं जाएगा, क्योंकि ए से पीछे जाने का मतलब ये है कि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो इसके पास नहीं है। बट समझ में आ रहा है, ए से पीछे उस वक्त आएगा अगर इस पॉइंट पे आप इसे लीव करने के बजाय धक्का दो, धक्का समझ रहे हो, मतलब धक्का देने का क्या मतलब है, आपने आप पेंडुलम को ए पे लाए और बजाय इसको छोड़ने के आपने इसे आगे की डायरेक्शन में धक्का दिया, जब धक्का दोगे तो ये बी पे रुकने के बजाय और आगे जाएगा, तो फिर यहां से भी वापस और पीछे आएगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। इसके अंदर जो है ना हमारे बहुत मशहूर फिजिसिस्ट थे, मतलब हैं, रिटायर हो गए अब तो, शायद सर का लेक्चर देखा हो किसी ने, सर वॉल्टर लुइन। ठीक है, इनका जो एक लास्ट लेक्चर है, एमआईटी के फिजिसिस्ट थे। ठीक है, एमआईटी दुनिया की नंबर वन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, अमेरिका के अंदर है, उसके ये फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयर थे, उनका ये लास्ट लेक्चर था फॉर द लव ऑफ फिजिक्स के नाम से, इनकी किताब भी इसी नाम से। ठीक है, तो इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, 4-5 मिनट का, उसमें इन्होंने ये जो मैंने अभी मंजन बेचा है ना इसको इन्होंने बाकायदा परफॉर्म करके दिखाया है आपको। एक बड़ा सा बॉब है स्फीयर का, स्फीयर की शक्ल का, इसको अपने बिल्कुल चिन्ह के ऊपर रख के यही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, और एट द एंड ऑफ द डे यही है कि फिजिक्स काम करती है, लॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल होल्ड ट्रू इन एवरी केस। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब ये हमारा मेन पोजीशन था, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, दिस वाज सम एक्सट्रीम पॉइंट नंबर वन, दिस वाज सम एक्सट्रीम पॉइंट नंबर टू। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस थे। हम जाहिर है चूंकि आइडियल केस में पढ़ रहे होंगे, तो आइडियल केस में ये ए और बी हमारे दोनों एक ही, जितने फासले पे होंगे, जितना फासले पे बी ओ से होगा उतना ही फासले पे ओ ए से होगा या ए ओ से होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जरा साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ लो। साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने अपना जो पेंडुलम है ना, उस पेंडुलम को आपने ए से छोड़ दिया जाने के लिए, तो आपका पेंडुलम ए से कहाँ जाएगा, ओ पे जाएगा, ओ से कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा। ये साइकिल पूरा नहीं हुआ, अभी साइकिल पूरा होगा, बी से वापस ओ पे आया, ओ से वापस कहाँ आया, ए पे आया,
ये डेफिनेशन है एक कंप्लीट साइकिल का, इसको अपने जहन में विजुअलाइज करने की कोशिश करो। पेंडुलम मूव करके गया ऑल द वे फ्रॉम ए टिल ओ, ओ से बी, बी से ओ से वापस ए। मैं आसान करके बता देता हूँ साइकिल को समझने के लिए ना, दो चीजें ध्यान में रखना, एक जहां से शुरू होगा वहीं खत्म होगा, ये साइकिल की पहली डेफिनेशन हो गई, जहां से शुरू वहीं खत्म, जहां से शुरू होगा वहीं खत्म होगा साइकिल की पहली पहचान। दूसरी पहचान, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करेगा, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करेगा लास्ट में, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को टच करेगा। सर ये तो हमें वैसे भी ऊपर से नजर आ रहा था, आपने इतना कुछ लिख क्यों दिया? क्योंकि बताता हूँ क्यों लिखा था। अब मिसाल के तौर पे ये साइकिल को देखने का एक तरीका है, इसके अंदर साइकिल आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ? साइकिल आपका स्टार्ट हुआ है एक्सट्रीम पोजिशन से। ऐसा भी तो हो सकता है एक बंदा जो है ना पेंडुलम आपका वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि आपने इसमें तो ये माना है ना कि एट टाइम टी इक्वल जीरो जो आपका पेंडुलम है वो कहाँ पे मौजूद है? एक्सट्रीम पोजिशन पे। ऐसा भी तो हो सकता है एट टाइम टी इक्वल जीरो कोई माने कि उसका पेंडुलम कहाँ है? मीन पोजिशन पे। तो सर वो वाइब्रेट कैसे करेगा? अरे तो अल्लाह के बंदे, आपका जो पेंडुलम है वो ए से होता 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 आया ओ पे, जब ओ पे आया मैंने कहा साइकिल अब मैं काउंट करना शुरू कर रहा हूँ, अब इसके लिहाज से बताओ साइकिल कब पूरा होगा? ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि भाई फिजिक्स के अंदर ना ये चीज बड़ी फ्लेक्सिबल होती है कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को या अपनी ऑब्जर्वेशन को कहाँ से शुरू करना चाहते हो। जहां से शुरू करना चाहोगे आपका साइकिल या आपका कहानी वहीं से शुरू होगी, टाइम टी इक्वल जीरो वहां लगा देना। यानी कि ए से मूव करता करता ओ पे आया, मैंने कहा चलो भाई अब साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो जब, अब देखो मैंने क्या बताया, ए से मूव करता हुआ कहाँ तक आया? ओ तक। ओ से कहाँ जाएगा? बी पे। बी से फिर कहाँ आएगा? ओ पे। ओ से कहाँ जाएगा? ए पे। अब अक्सर के जहन में आ रहा होगा सर साइकिल तो पूरा हो गया। नहीं बेटे, नहीं हुआ साइकिल पूरा। क्यों? क्योंकि देखो मेरा साइकिल स्टार्ट हुआ है ओ से, सर वो तो ए से आ रहा था ना बेटे, वो ए के बजाय हैदराबाद से आ रहा हूँ, तब भी मेरा साइकिल वहीं से शुरू होगा जहां से मैंने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया था। मैंने कहां से किया था? ओ से। तभी तो मैंने लिखा है टाइम टी इक्वल जीरो ऑब्जेक्ट इज एट ओ पोजिशन। तो ओ से गया बी, बी से वापस ओ, ओ से ए, दोनों एक्सट्रीम को इसने भले टच कर लिया हो लेकिन जहां से शुरू हुआ भी वहां खत्म नहीं हुआ, तो ये वापस कहाँ आएगा? ओ पे आएगा। यानी कि अब जाके आपका साइकिल क्या होगा जनाबे वाला? पूरा होगा। ठीक है, इसको हम वंस अगेन कहेंगे ये एक साइकिल है। बस फर्क इतना है कि इस एक साइकिल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये मेन पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। सर क्या फर्क पड़ता है, एक ही पढ़ लेंगे बेटे? फर्क बहुत पड़ता है, अभी इक्वेशन दिखाऊंगा ना तो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दोनों की इक्वेशन ही अलग अलग होती है समझने के लिए। ठीक है चलो, ये हो गया हमारे पास मीन और एक्सट्रीम। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास ना दो टर्मिनोलॉजीज और होती है समझने के लिए। एक हमारे पास होती है जनाब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की टर्मिनोलॉजी होती है। एक हमारे पास एम्पलीट्यूड है। देखो डिस्प्लेसमेंट को आसान जबान में कैसे डिफाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली डेफिनेशन भूल जाना, वो काइनेमेटिक्स तक थी, एसएसएम की अलग कहानी है। डिस्टेंस है वही, ये भी इनिशियल से फाइनल है, बिल्कुल मैं मान देता हूँ इसको भी, चलो लिख भी देते हैं, ये भी मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है इनिशियल टू फाइनल, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा सा चेंज अगर आप समझ लोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस किसका? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजिशन। कहां से? मेन पोजीशन से। इस चीज का खासुल खास ख्याल करना, आधे से ज्यादा आवाम के जो एसएचएम के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, उसका रीजन ही होता है ये आगे ये वाली लाइन जो है ना गायब की भी होती है। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। आप जब भी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे होगे तो उसके अंदर आपका जो मेन पोजीशन है, आपकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि इसे हमेशा आप मानोगे कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है, बाकी जहां भी बॉडी मौजूद है वो आपका फाइनल पॉइंट। ठीक हो गया, ये होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, और वो इंटरेस्टिंग चीज भी आप अपने जहन में नक्श कर लो। क्या? ये देखो भाई, ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पेंडुलम है जनाबे वाला, और ये जो पेंडुलम है ना ये क्या कर रहा है? द पेंडुलम इज मूविंग। द पेंडुलम इज मूव करना तो गलत होगा, द पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग अबाउट दिस फिक्स पोजिशन। पेंडुलम जनाब क्या कर रहा है? पेंडुलम जो है ना वो इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ जा रहा है, ये पेंडुलम आपका वाइब्रेट कर रहा है। जाहिर है अब जब पेंडुलम वाइब्रेट करेगा तो पेंडुलम कभी ना कभी जो है वो यहाँ पे आएगा, ये इस अपने एक्सट्रीम पोजिशन पे आएगा, ऐसे ही है। सिमिलरली अब जो पेंडुलम भाई साहब है ये कभी ना कभी वाइब्रेट करते हुए यहाँ पे भी आएंगे,
ऐसे ही हो गया, यहाँ पे भी आएंगे। अच्छा अब आप नोट करो, अच्छा मैं मान रहा हूँ कि पेंडुलम इस तरह से आ रहा है, ठीक है अब आप अगर नोट करोगे, इस पोजीशन को मैंने ए कह दिया, इस पोजीशन को मैंने बी कह दिया, इस पोजीशन को मैंने सी कह दिया। अब देखो जब पेंडुलम आपका पोजीशन ए से बी, बी से सी होता हुआ जा रहा है, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट मुसलसल कम होती जा रही है। क्यों क्यों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है? डिस्प्लेसमेंट कम इसलिए हो रही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नापी कहां से जाती है? मेन पोजीशन से। अब सिंस द पेंडुलम इज मूविंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट छोटी होती जा रही है। भाई देखो ए पे जब रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट वॉज मैक्सिमम, जब बी पे आ गया डिस्प्लेसमेंट और कम हो गई, और जब सी पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो रही नहीं है, क्योंकि भाई सी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से तो आप डिस्प्लेसमेंट नापते हो। जब एक अल्लाह का बंदा यानी कि वो पेंडुलम आपका मीन पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो रही नहीं, यानी कि आप क्या कह सकते हो? पहली बात आप ये लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इन अ वाइब्रेटरी मोशन, या जब हम एस एच एम पढ़ेंगे अभी, डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम इज नॉट अ फिक्स क्वान्टिटी, डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम इज नॉट अ फिक्स क्वान्टिटी, डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम इज अ वेरिएबल क्वान्टिटी, हमें नजर आ रहा है फिक्स ही नहीं है। क्यों? ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन हो रही होगी, ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन हो रही होगी तो क्या होगा? ड्यूरिंग द वाइब्रेशन ये कंटिन्यूसली वेरी करेगा। जब आपका पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कंटिन्यूसली बढ़ेगी। फिर जब आपका पेंडुलम एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होगा, एक्सट्रीम से कहां आ रहा होगा, इसको डबल कर देते हैं ताकि परेशानी ना हो, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट मुसलसल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी को देखते हुए हम यूं भी कह सकते हैं, जब आपका पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा उस वक्त डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी मैक्सिमम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट। क्यों भाई? ये देखो ना भाई, सी से जब वो आपका पेंडुलम ए की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बड़ी 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 एक में जाके क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये कहलाती है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है ये? एम्पलीट्यूड। ये जो एक्स नॉट होता है ना, इस एक्स नॉट को हम कहते हैं दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड। ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। इसी तरह से जब आपका जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया था, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और फाइनली जब वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो मीन पोजीशन को हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट निकालते ही कहाँ से? मीन पोजीशन से। अब वो अगर खुद ही मीन पे खड़ा हुआ है तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ही कुछ नहीं रह गई वहां पे। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो अब आप जरा ना साइकिल का कॉन्सेप्ट नोट करो कि साइकिल में हो क्या रहा है, फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, फिर मैं इसकी क्वेश्चन बताऊंगा। देखो क्या हो रहा है साइकिल में, देखना जरा। जब ये ए से सी की तरफ आया, यानी कि मान लेते हैं अभी मेरे पास जो एक ये वो आया था ना बीच में डिस्टर्बेंस आई थी, उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे? अगर मान लो ये हमारे पास ए से सी की तरफ आया, अच्छा इस पॉइंट को मान लेते हैं ये बी है मिसाल के तौर पर हमारे पास, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारे पास ए से सी की तरफ आया, सी से फिर बी की तरफ गया, बी से फिर सी की तरफ आया, सी से फिर कहाँ गया? ए की तरफ। इसको हम कहते हैं ना जनाब, ये क्या हुआ? एक साइकिल पूरा हुआ। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ए पॉइंट के ऊपर जब आपका, गौर से समझना ताकि आपको इसका ग्राफ समझ में आ जाए, ए पॉइंट पे जब आपका पेंडुलम था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम पॉजिटिव। भाई ऐसे ही है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। मान लेते हैं मीन पोजीशन के राइट साइड पे पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होगी। तो जब आपका पेंडुलम कहाँ पे है, जब आपका पेंडुलम ए पॉइंट पर है, उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम पॉजिटिव है। फिर ए से वो आया सी पे, जब ए से सी पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? कम हो रही है। जब सी पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना भैया। फिर सी से बी की तरफ जा रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। बी पे जाके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी, सही है। फिर जब आपके पास वो आ रहा है सी पे आ रहा है, अब जब सी पे आ रहा है अल्टीमेटली वापस आपके पास क्या हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास वापस क्या हो रही है? ये
डिस्प्लेसमेंट जब बी से सी की तरफ आ रहा है, वापस डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है जनाबे वाला, कम हो रही है। जब कम हो रही है सी पे आने के बाद क्या हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। फिर जब सी से ए की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ए पे जाने के बाद क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स नॉट हो जाएगी। अब अगर आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी याद है, अगर आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी याद है, तो आपको फौरन ये बात, जिसे कहते हैं ना चमकनी चाहिए, तो चमक जाएगी। देखो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ हमारे पास होता है जनाबे वाला कॉस थीटा का ग्राफ होता है। इसके अंदर हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है 0 डिग्री वाला पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज ऑफ 90 डिग्री वाला, देन दिस पॉइंट इज ऑफ 180 डिग्री वाला, देन दिस पॉइंट इज ऑफ 270 डिग्री वाला, और ये वाला जो पॉइंट होता है ना इसके बिल्कुल नीचे वाला, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये आपके पास होता है 360 डिग्री वाला पॉइंट। देख लो आपका एक चक्कर पूरा हो गया, अरे भाई एक साइकिल पूरा हो गया। देखो 0 डिग्री के ऊपर स्टार्टिंग में पॉजिटिव एक्सट्रीम था, फिर एक क्वार्टर के बाद 90 डिग्री के बाद जीरो आया, फिर एक क्वार्टर के बाद नेगेटिव एक्सट्रीम आ गया, फिर एक क्वार्टर के बाद जीरो आया, फिर एक क्वार्टर के बाद क्या आ गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम आ गया। और हमें पता है इस पूरे, ये पूरी जो कहानी होती है, ये पूरा आपके पास क्या है, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। ये हमारे पास जनाबे वाला क्या कहला रही होती है, वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, यानी कि आपने, अगर मैं इसकी इक्वेशन पूछू ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, एक्स इक्वल एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसी के अंदर मैं आपसे ये कहता कि पार्टिकल ओ से, यानी कि यही पार्टिकल था, अच्छा ओ नहीं है यहाँ पे, यही पार्टिकल था, पार्टिकल सी पे था, यानी कि मीन से स्टार्ट किया, सी से होता हुआ बी तक गया, ठीक है, सी से होता हुआ बी तक गया, बी से फिर सी पे आया, सी से फिर कहाँ गया ए पे, ए से फिर कहाँ आया सी पे, जिसमें कहते हैं ना एक साइकिल पूरा हुआ। लेकिन इसमें इसने स्टार्ट कहाँ से किया, इसमें इसने स्टार्ट किया मीन पोजीशन से। अब अगर आप इसको देखोगे ना, तो सी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो, फिर जब बी पे जा रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, बढ़ेगी, और बी पे जाके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे ही है, बी पे जाके क्या हो जाएगी जनाब, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर बी से सी पे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वापस क्या होगी, कम होगी, सी पे क्या होगी, जीरो। फिर जब सी से ए पे आएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, ए पे फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होगा। ए से फिर कहाँ आएगा, सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, यानी कि क्या हो जाएगा जनाब, जीरो हो जाएगा। अब अगर आप इसका ग्राफ देखते हो, देखो अब अगर आप इस पूरी कहानी का ग्राफ देखते हो ना, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ग्राफ बना हुआ, इस पूरी कहानी का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। आप इसको पॉइंट देख लो, स्टार्टिंग के अंदर मीन पोजीशन पे था, जीरो पे था, फिर पॉजिटिव हो गया एक क्वार्टर के बाद, फिर दोबारा जीरो पे आ गया एक क्वार्टर के बाद, फिर नेगेटिव पीक पे आ गया एक क्वार्टर के बाद, और फिर वापस जीरो पे आ गया। तो समझ में आती है हमें सारी बात। अब ये कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहा है x इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां आपका एग्जामिनर सवाल पूछता है, क्या अगर आपका SHM परफॉर्म करने वाला पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन। अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो क्या होगी, तो ये जनाब होगी अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, पूरी कहानी अच्छे से मैंने साबित कर दी, ये होगा अगर वो कर रहा है मीन पोजीशन से। ठीक है, इसको हम ऐसे ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी इतनी लंबी कर दी मैंने इसमें। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपके पास साइनोसॉइडली वेरी कर रही होती है। कैसे वेरी कर रही होती है जनाब, साइनोसॉइडली वेरी करती है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपके पास x नॉट है, ये तो एम्पलीट्यूड है, x डिस्प्लेसमेंट है, जो कि कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा, ये जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2πf, ये कहाँ से आया भाई, 2π/T था ना, इस 1/T को f में कन्वर्ट कर दिया। तो ये याद रखना, ये f आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, कैपिटल T आपका टाइम पीरियड होता है, इस ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड भी होती है, सेकेंड इनवर्स भी होती है, ठीक है। और यही बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी क्या जैसा आपका वो रखता है, जिसे कहना चाहिए ना अपना यूनिट या डायमेंशन, ठीक हो गया। तो ये सारे मंजन थे इसके अंदर।
तो डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आ गया कि भैया वेरी करेगा कंटिन्यूसली, अगर आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, और अगर आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, जहां पे हम कहेंगे जनाब एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट। सिमिलरली मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आपकी मीन पोजीशन पे होगी, जहां पे हम कहेंगे एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा एम्पलीट्यूड भी होगी, एम्पलीट्यूड क्या होता है जनाब, एम्पलीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आ वाइब्रेटिंग बॉडी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो इसको हमने बेसिकली कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजिशन, या इसको आप यूं भी कह सकते हो मीन पोजिशन से लेके एक्सट्रीम पोजिशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास कहला रहा होता है जनाबे वाला क्या, वो हमारे पास कहला रहा होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एम्पलीट्यूड वही है, डिस्प्लेसमेंट है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, अमूमी तौर पर हम सीधे हाथ वाला पॉजिटिव लेते हैं और उल्टे हाथ वाला क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब आ जाओ वापस अपने एसएचएम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा एसएचएम के अंदर एक एक चीज और थोड़ी पढ़ लो, ताकि मैं चाह रहा हूं पहले ना तमाम तमहीद बांध दूं ताकि एसएचएम पे बिल्कुल ही मुश्किल ना हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का मुझे लेक्चर अलग करना पड़ेगा और वेव मोशन साउंड पर अलग करना पड़ेगा, हालांकि मैंने सोचा था कि इतनी लंबी नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अब ये एमसीक्यूज आते हैं सारे तो पढ़ना है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ होती है कंडीशंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर परफॉर्म करता है तो उसकी क्या कंडीशंस है। कंडीशन से मुराद ये है कि भाई उस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होना चाहिए अगर वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो देखो दो बुनियादी कंडीशंस है और दोनों का मैं वजह बता दूंगा आपको। एक है इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनर्शिया होना चाहिए। दूसरा है रीस्टोरिंग फोर्स का होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स बोले तो हुक्स लॉ को ओबे करे, बताते हैं अभी क्या मतलब। देखो इनर्शिया क्या है, देखो इसको हम सिंपल समझते हैं, मिसाल के तौर पे एक अदर मास स्प्रिंग सिस्टम से समझ लेते हैं ना। मास स्प्रिंग सिस्टम सबसे अच्छी एग्जांपल है इसको समझने की। मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना एक अदर स्प्रिंग होता है और इस स्प्रिंग के साथ हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ होता है एक अदर मास, सिंपल बेसिक बात हो गई, एक मास होता है। अब होता क्या है जनाब, अगर मैं इस मास के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूं अल्टीमेटली एक किसी डायरेक्शन में, मिसाल के तौर पर जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मास यहाँ पे नहीं रहेगा, जहां तक मैं इसको लेके जाऊंगा ये वहां पे आ जाएगा। ये है मेरी अप्लाइड फोर्स का कारनामा, जिसने इस डब्बे को एक पॉइंट से उठा के, यानी कि मान लो अभी वो यहाँ पे था, इस पॉइंट से उठा के डब्बे को इस पॉइंट पे ले आया, ये काम किया मेरी अप्लाइड फोर्स ने। अब जब मैं अप्लाइड फोर्स हटा दूंगा तो आपको पता है ये वापस पीछे आएगा। वापस पीछे क्यों आएगा, उसका रीजन ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग हमारे पास कहलाता है जनाब रीस्टोरिंग एजेंट। स्प्रिंग क्या होता है, रीस्टोरिंग एजेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रीस्टोरिंग एजेंट, रीस्टोरिंग एजेंट का काम होता है ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन को रीस्टोर करना। नाम से पता चल रहा है, सेल्फ डिफाइन है कि ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन में वापस लेके आना। अब देखो मैं डब्बे को मान लो ए पॉइंट पे लेकर आया था और डब्बे का एक्चुअल पोजीशन है बी पॉइंट, ठीक है। डब्बे का एक्चुअल पोजीशन ये वाला है और ये वाला कौन सा पॉइंट है, मान लेते हैं बी पॉइंट है। अब जब मैं अपनी अप्लाइड फोर्स को हटाता हूं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना उसका काम है इस डब्बे को बी पॉइंट पे लेके आना। जब डब्बे को बी पॉइंट पे रीस्टोरिंग फोर्स ले आई तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम हो गया खत्म। अब रीस्टोरिंग फोर्स का काम कोई नहीं बचा। रीस्टोरिंग फोर्स का अगर मैं आपसे पूछूं ना डायरेक्शन क्या होता है तो आप बोलोगे रीस्टोरिंग फोर्स नजर ही आ रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ डायरेक्टेड होती है, मीन पोजीशन की तरफ। क्यों, क्योंकि इसका काम होता है ऑब्जेक्ट को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रीस्टोर करना। तो ये जब बी पे ले आया तो इसका काम खत्म हो गया। क्या ये वाइब्रेटरी मोशन हुआ, नहीं। देखो वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना। यानी जैसे इसको मैं बी से ए तक लेकर गया था, बिल्कुल वैसे ये इसके इधर भी मूव करे। अब ये काम कौन कराएगा, इनर्शिया कराएगा। यानी कि अगर सिस्टम में इनर्शिया होगा तो अल्टीमेटली ये जो ऑब्जेक्ट है ये बी पे रुकने के बजाय क्या होगा, बी पे रुकने के बजाय आगे की तरफ चला जाएगा। पॉइंट समझ आ रहे हैं, अगर इनर्शिया ना हो सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स हो तो जब मैं इसको ए पे लेके जाऊंगा रीस्टोरिंग फोर्स अपनी कार्रवाई डालेगी, ये बी पे आ जाएगी। अब इनर्शिया इसे मेक श्योर करेगा कि ये बी से क्या हो, आगे जाए, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। फिर रीस्टोरिंग फोर्स मेक श्योर करेगा कि वापस बी पे आए। फिर इनर्शिया मेक श्योर करेगा कि ये आगे जाए, फिर स्प्रिंग एक्सटेंड होगा,
फिर रीस्टोरिंग फोर्स मेक श्योर करेगी कि यहाँ पे आए, फिर स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इनर्शिया मेक श्योर करेगा आगे जाए। तो ये दोनों चीजें लाजमी होती हैं एसएचएम के अंदर। उम्मीद है दिमाग के ढक्कन खुल गए होंगे कि क्यों लाजमी होती है, क्योंकि इनर्शिया और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों मेक श्योर करती हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये दो कंडीशन थी जनाब। रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक बात। दूसरी बात, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 जो है, उसके जरिए हमें ये बात पता है कि एफ इक्वल्स एम ए, यानी कि फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी के पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, इस रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है, मीन पोजिशन की तरफ। तो मैं कह सकता हूं जो एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, जो एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, इसका भी डायरेक्शन कहां होगा, मीन पोजिशन की तरफ। क्योंकि हमें ये बात पता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा कैसी होते हैं भाई साहब, पैरेलल होते हैं। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स मीन की तरफ है तो अल्टीमेटली रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, मीन की तरफ होगा। बेसिक बात हो गई। अच्छा, अब जरा वाइब्रेटरी मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए। जरा देखो, ये मान लीजिए हमारे पास पेंडुलम है, ये मान लीजिए अपने पास क्या है, पेंडुलम, ठीक है। और जो पेंडुलम है वो इस तरह से आपके पास क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ही। अब मिसाल के तौर पे आपका जो पेंडुलम है ना, ये वाइब्रेट करता करता यहां पे मौजूद है, इस जगह पे मौजूद है, ठीक है। अगर मुझे आपसे डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, इसकी क्या निकालनी हो जनाब, डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी हो, तो क्या डिस्प्लेसमेंट मालूम की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक होता है आपका इनिशियल पॉइंट, एक होता है फाइनल पॉइंट। और हमें पता है कि जो हमारा मीन पोजीशन होता है, यही हमारे पास हमेशा हमेशा क्या काउंट होता है एसएचएम के अंदर, इनिशियल पॉइंट, ये तो मैंने बताया था। और ये बेसिकली क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। पॉइंट समझ आ गया। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मार्क करूंगा तो जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी, गौर से देखना, क्या मैं कह सकता हूँ ये ग्रीन एरो मेरी डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलो, जरा उल्टे हाथ पे भी देख लेते ना, उल्टे हाथ को हमने ब्रेड के पहले पीस की तरह निगलेक्ट किया हुआ है, जरा उल्टा हाथ भी देख लो। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट कहां से निकलती है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आपका होता है इनिशियल पॉइंट, और जहां पे भी अभी ऑब्जेक्ट मौजूद है वो क्या होता है, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल तक ये डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें क्या बात देखते हुए नजर आ रही है, क्या मैं ये बात देखते हुए यहाँ पे लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। और से देखो, फर्क ही नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है या ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पॉइंट आपका होता है रेफरेंस पॉइंट, यानी कि मीन पॉइंट आपका रेफरेंस है। उसके मुकाबले में आप जब भी किसी पॉइंट का निकालोगे, वो हमेशा कैसे आएगा, अवे आ रहा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर है? कुछ बातें मैंने यहां बता दी, ये बातें एमसीक्यू में बहुत पूछता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और हमें पता है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन क्यों डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रीस्टोर करना। रीस्टोर करने का मतलब कहां लाएगा, मीन की तरफ। इसलिए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड रीस्टोरिंग फोर्स आर ऑलवेज पैरेलल। सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गई ना ये बात। अच्छा, मैंने यहाँ पे कई बताया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ठीक है। तो उस पर भी बात करते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, वो अभी देख लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है उसको अभी हम देख लेंगे। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो बेसिकली आपके पास डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। वेलोसिटी का डायरेक्शन डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे। मतलब ये कि अगर बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है,
मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो वेलोसिटी इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसी तरह अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है वेलोसिटी इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, तो मतलब ये दोनों हो सकते हैं, फिक्स नहीं है ये कि हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा या हमेशा अवे होगा। ठीक हो गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बॉडी आपके पास मीन से कहां जा रही हो, एक्सट्रीम की तरफ जा रही हो, इस केस में इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी आपके पास एक्सट्रीम से कहां आ रही हो, मीन की तरफ आ रही हो, इस केस में वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और इस केस के अंदर ये जो एक्सट्रीम, जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी मीन पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, वेलोसिटी मीन पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां होती है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस केस के अंदर आपको साफ नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। याद करो मैंने फोर्स एंड मोशन में पढ़ाते हुए ये बात बताई थी कि SSM के अंदर एक केस ऐसा होता है कि जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। आ गया, ये वो केस है आपका, आ गया वो शाकार, ठीक है, जिसका इंतजार था, ये वो केस है। ठीक हो गया जनाबे वाला। तो अब अगर हम अपनी SHM की डेफिनेशन मुकम्मल कर लेना, तो हम SHM की डेफिनेशन के अंदर सब कुछ पढ़ चुके हैं। पहली कि मोशन कैसा होना चाहिए, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए। दूसरा, मोशन शुड बी पीरियोडिक, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। तीसरा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब जरा इसको समझो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आपको दो बातें बताता है, इससे आपको दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे आप मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहे हो, जब आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि आपका फासला फ्रॉम द मीन पोजिशन बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बढ़ता है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। गोया के एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके, एक्सट्रीम पॉइंट पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट था, मैंने बताया था, वो मैक्सिमम हो जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में तो आ रहा है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। बेटे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मीन पोजिशन से जितना दूर जाओगे आपकी रीस्टोरिंग फोर्स उतनी तगड़ी होती जाएगी। क्यों भाई, बिल्कुल सिंपल है भाई, आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा तो उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा वापस अपनी जगह पे आने के लिए। आपने स्प्रिंग को थोड़ा ज्यादा घसीटा तो उसको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी जगह पे आने के लिए। आपने स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच दिया, बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, तो स्प्रिंग को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप जितना ज्यादा एक्सटेंड करोगे अल्टीमेटली रीस्टोरिंग फोर्स उतनी बढ़ेगी, जितनी रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन उतनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से इसको हम यूं भी कह सकते हैं, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हो तो चूंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो आपका मीन पॉइंट है, मीन पॉइंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम, तो हम कहेंगे जनाबे वाला आपका जो एक्सेलरेशन है ये भी कैसा होगा, मिनिमम हो जाएगा। एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, मिनिमम हो जाएगा। ये पहली बात तो ये बताता है। दूसरी बात, आपको यहाँ नेगेटिव साइन नजर आ रहे हैं, नेगेटिव साइन आपको ये बताता है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ओपोजिटली डायरेक्टेड, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज ओपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, या यूं कह सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ओपोजिटली डायरेक्टेड। क्यों भाई, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा या एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्यों होती है, पूरा मंजन बेच दिया मैंने, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, और रीस्टोरिंग फोर्स भी हमेशा कहाँ होती है, जाहिर है काम ही इसका रिस्टोर करना है तो इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। और ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन क्यों होती है, क्योंकि याद रखना मीन पॉइंट आपका रेफरेंस है, ये मीन पॉइंट आपका इनिशियल है किसके अंदर, एसएचएम के अंदर,
ऐसा इसलिए होता है। वेलोसिटी के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि यहां लिख भी देता हूं कि वेलोसिटी मे बी टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, वेलोसिटी मे बी टुवर्ड्स द मीन पोजिशन और अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन, और अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन। मीन पोजिशन की तरफ होगी अगर बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है, अवे होगी अगर बॉडी मीन से कहां जा रही है, एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। तो ये अलग केस है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है जनाब डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जनाब हमारे पास कुछ बेसिक्स थी, अभी और भी वैसे बेसिक्स बाकी है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी के सारी कहानी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ऐसे ही है। अच्छा बेटे, हमारे पास ना इसके अंदर ना समझने के लिए एक चीज और है, ठीक है। अब वो एक चीज और जो है ना, उसके अंदर भी एक बात समझ लेते हैं, फिर हम मूव कर जाएंगे अपने एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर SHM के अंदर, ठीक है। अच्छा वो एक चीज और है हमें समझने के लिए, हमने एक बात देखो पहले करी भी है। देखो अगर फोर्स एक्ट करे सेम उसी डायरेक्शन में जो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी कि अगर फोर्स एक्ट करे उसी सिम्प में जो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी की जो स्पीड होती है ना वो बढ़ती है। यही बात हमने काइनेमेटिक्स में भी देखी थी, और हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी डिसेलरेट नहीं कर रही, हम कहते हैं बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इफ फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन विच इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अल्टीमेटली बॉडी का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। अगर ऐसा करें, यानी कि अगर फोर्स एक्ट करे ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है जनाब, स्पीड क्या होती है, कम होती है। और हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो बेसिकली क्या कर रही है, बॉडी हमारी डीसेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है, या बॉडी एक तरह से कह लो कि डीसेलरेट हो रही है। ठीक हो गया। अब अगर मैं पेंडुलम के हिसाब से बात करूं ना, अगर आप पेंडुलम को वापस देखो, क्योंकि सारी बात हम SHM की कर रहे हैं, और SHM परफॉर्म करने वाली बॉडी जो हम कंसीडर कर रहे हैं बार बार, वो कौन सी है, पेंडुलम। ऐसे और भी होती है, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास पेंडुलम है, और पेंडुलम जो है ना वही काम कर रहा है जो हम देखते आए अभी, जब से एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरह से। अब मुझे ये पता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स को यहां बनाऊं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, इसी तरह से अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स को यहां बनाऊं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो फोर्स है इसके अंदर, जो फोर्स एक्ट कर रही है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस फोर्स का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है, टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेंडुलम मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, या पहले समझो अगर पेंडुलम एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, यानी कि आपका जो पेंडुलम है वो मूव कैसे कर रहा है, चलो मैं यहां बना के दिखाया था, आपका पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि आपका पेंडुलम इज मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो जनाब अगर पेंडुलम एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, तो बेसिकली आपको नजर आएगा कि फोर्स सेम उसी डायरेक्शन में लग रही है विच इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे ही है ना, सेम उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। यही वजह कि हम कहते हैं जब भी बॉडी मीन की तरफ आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, एक्सेलरेशन कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। अभी आपने पढ़ा था एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्पीड बढ़ रही है। अब जरा समझना कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से समझना बात को। देखो पहले मैं रिवाइज कर दूं कॉन्सेप्ट कि एक्सेलरेशन क्यों कम हो रही है। बेटे जो आपका हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ क्या कहता है आपको, हुक्स लॉ कहता है कि जो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हमें पता है फोर्स एक्सेलरेशन लेके आता है, इसका मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, बेसिक बात। अब जब आप मीन की तरफ आ रहे हो तो गोया आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा,
लेकिन सर आपने अभी साबित किया कि फोर्स चूंकि उसी डायरेक्शन में लग रही है तो स्पीड बढ़ेगी। बिल्कुल, आज अपने जहनों से ये गलत ख्याल निकाल देना कि एक्सेलरेशन के कम होने का मतलब स्पीड का कम होना है। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स के ज्यादा या कम होने पे, स्पीड डिपेंड करता है, स्पीड का बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है फोर्स के उसकी डायरेक्शन में लगने या ना लगने से। सर बात कुछ वाजे नहीं हुई, अभी वाजे होती है। देखो मान लो कि आपके पास ये जो पॉइंट है ना, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट आपके पास बी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपके पास ओ पॉइंट है, ठीक है। जब आपके पास बॉडी बी से ओ पे आ रही है, मान लो बॉडी को बी से ओ तक आने में 3 सेकंड लगते हैं, हाउ मेनी सेकंड्स, 3 सेकंड लगते हैं। तो पहले सेकंड में मिसाल के तौर पे बॉडी की एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले में मिसाल के तौर पे कम होके हो गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके अगले में आखिरी में हो गई एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेट से, ठीक है। अब देखो जब बॉडी पॉइंट बी पे होगी तो पॉइंट बी पे बॉडी की जो स्पीड होगी ना, इस पॉइंट पे बॉडी की जो स्पीड होगी, इस पॉइंट पे बॉडी की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। क्यों, खुद सोचो भाई, अगर पेंडुलम आपका ओ से बी पे जा रहा था मिसाल के तौर पे, तो अगर उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कम ना होती तो वो बी पे रुकता किस खुशी में। बी पे रुकने का मतलब ही यही है कि उसकी एक लम्हे के लिए स्पीड 0 हुई, फिर वो वापस आया। स्पीड इसका मतलब बी पे क्या है, 0। अब जब वो बी से ओ पे आ रहा है, यानी कि एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले सेकंड में उसकी स्पीड में इजाफा हुआ 6 का, ठीक है, उसकी स्पीड 0 से कितनी हो गई, 6। अगले सेकंड में उसकी स्पीड में इजाफा हुआ 3 का, यानी कि अब उसकी स्पीड 6 से हो गई 9। स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन क्या एक जितने प्रोपोर्शन से बढ़ रही है, नहीं। पहले सेकंड में 6 से बढ़ी, अगले सेकंड में 3 से बढ़ी, उसके अगले सेकंड में बढ़ी ही नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है, ये मतलब था इस जुमले का कि जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही है तो स्पीड मुसलसल क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से स्पीड बढ़ेगी वो प्रोपोर्शन खुद कम हो रहा है, एंड दैट प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज होने की रफ्तार। तो उम्मीद है ये एक और मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों के जहन में, ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है तो स्पीड कैसे बढ़ रही है। बेटे हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन के कम होने का सिर्फ ये मतलब है कि वो प्रोपोर्शन जिससे स्पीड चेंज होगी वो कम हो रहा है। यानी कि देखो, अगर मैं कहता हूँ ना स्पीड कम हो रही है और एक्सेलरेशन भी कम हो रही है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन के कम होने से स्पीड कम हो रही है। मिसाल दे रहा हूं, अगर स्पीड कम हो रही है और एक्सेलरेशन कम हो रही है, इसका मतलब ये कि जिस प्रोपोर्शन से स्पीड कम हो रही है ना, वो खुद भी कम हो रहा है। यानी कि पहले सेकंड में हो सकता है स्पीड 10 कम हुई हो, अगले सेकंड में 8 कम हो, अगले सेकंड में 6 कम हो, अगले सेकंड में 4 कम हो, ये मतलब है एक्सेलरेशन कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है। अगर मैं कहता हूँ स्पीड बढ़ रही है और एक्सेलरेशन कम हो रही है, इसका मतलब स्पीड जिस प्रोपोर्शन से बढ़ रही है वो प्रोपोर्शन खुद मुसलसल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये मतलब होता है इसका। एक्सेलरेशन डिपेंड करती है फोर्स के डायरेक्शन पे, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, अगर फोर्स घट रहा है तो एक्सेलरेशन घट रहा है। स्पीड डिपेंड करती है फोर्स की डायरेक्शन पे, लेकिन फोर्स के कम होने से स्पीड की सेहत पर फर्क नहीं पड़ जाएगा। फोर्स जिस सिम्प लगेगा, अगर बॉडी उसी सिम्प में मूव कर रही है, स्पीड बढ़ेगी भले फोर्स कम लगे ज्यादा लगे, सही है। फोर्स के कम या ज्यादा होने से स्पीड कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है वो चीज चेंज हो रही होगी, ठीक है। उम्मीद है टेक्निकल बातें समझ में आ गई होंगी सारी। तो वंस अगेन, जब आपकी बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ आएगी तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है, बॉडी भी यहीं आ रही है तो स्पीड बढ़ेगी। इसी तरह से जब आपकी बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, यानी कि यहाँ वाला पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला साइड मान लो, इस ये साइड आपकी ए है और अब बॉडी ऐसे आई, आने के बाद अब बॉडी ना ऐसे जा रही, ये बॉडी जनाब ऐसे जा रही है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे जा रही है। जब आपके पास बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही होगी, अल्टीमेटली आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि जो फोर्स है वो ओपोजिट सिम्प में एक्ट कर रही है, किसके मुकाबले में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के मुकाबले में। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि फोर्स उल्टी सिम्प में लग रही है। फोर्स इसका मोशन रिटार्ड करने की कोशिश करेगी, डिसेलरेट करने की कोशिश करेगी, ये वाला केस होता है, ठीक है। यानी कि हमें नजर आ रहा है कि जब मीन की तरफ आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब जब बिल्कुल मीन पे आ जाएगी, और मीन होता है याद रखना एक्स इक्वल जीरो, इसका मतलब वहां पे आपके पास स्पीड कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो स्पीड कम हो रही है, सॉरी, अच्छा ये मैंने ये लिखा था कि एक्स इक्वल जीरो का मतलब क्या है, मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स इक्वल एक्स नॉट, और जब एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, कम होती होने का मतलब फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
अब अगर आप एनर्जी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे तो आपको एक चीज याद आ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता था, स्पीड पे करता था, पढ़ाया था हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब जब मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। और हमें वैसे ही पता है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होती है, मिनिमम होती है। एक्सेलरेशन मिनिमम क्यों होती है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो चाह रहा था वो हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स चाह रहा था बॉडी को मीन पोजीशन पे लेके आना, वो आ गई। इसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन कैसी है, मैक्सिमम, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम। और एक और मैंने आपको पढ़ाई होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर आपको याद होगा ना, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MGH, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सब बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी अगर आपने वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया था वो पढ़ लिया होगा। तो अगर आप कभी भी अगेंस्ट द फील्ड काम करते हो, किसी भी अप्लाइड फील्ड के अगेंस्ट में काम करते हो, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, वो बेसिकली बॉडी के अंदर स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद आ रहे हैं, सब मेरे ही अल्फाज हैं। वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब जब पेंडुलम या कोई भी बॉडी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, कोई भी बॉडी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, इसका मतलब आपने फील्ड के अगेंस्ट मैक्सिमम काम कर दिया ना भाई। ऐसे ही भाई, आप पेंडुलम थोड़ा दूर लेके गए, थोड़ी रीस्टोरिंग फोर्स आई, थोड़ा काम करना पड़ेगा वापस आने के लिए। आप दूर ले जाते एक्सट्रीम पॉइंट पे ले गए तो बाबा मैक्सिमम काम करना पड़ेगा वापस आने के लिए। इसका मतलब आपका जो मीन पोजीशन है, आपका जो मीन पोजीशन है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड क्या है, मिनिमम। भाई मीन पोजीशन पे तो देखो, फील्ड क्या चाह रही है कि वो मीन पोजीशन पे रहे, रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाह रही है कि बॉडी मीन पोजीशन पे रहे। तो मीन पोजीशन पे रोकने के लिए तो कोई काम थोड़ी करना पड़ रहा है, आप पेंडुलम को छोड़ दो, वो मीन पोजीशन पे आके खुद ही रेस्ट में आ जाएगा। हाँ, आप जब एक्सट्रीम पे रहेगा इसको, जैसे जैसे आप इसे मीन से दूर लेके जा रहे हो, वैसे वैसे जो वर्क डन है अगेंस्ट द फील्ड वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है जब आप वहां पे लेके जा रहे हो एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब ये सारे वो कंक्लूजन थे जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है जनाब। अब इसके अंदर हमारे पास ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। पहला हमारे पास होता है जनाबे वाला मास स्प्रिंग सिस्टम। पहला क्या होता है, मास स्प्रिंग सिस्टम। अब मास स्प्रिंग सिस्टम में ना कुछ क्या भला होती है कि मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर वही जो भी आपने ऊपर पढ़ा था ना कि आप फोर्स अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा, दैट इज बेसिकली द मास स्प्रिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है, एफ इक्वल्स एम ए को हम इक्वेट करते हैं एफ इक्वल माइनस के एक्स के साथ, वेयर के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। याद रखिएगा कि के जो कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ये बेसिकली डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग के ऊपर। आपका स्प्रिंग जितना ज्यादा रिजिड होगा, के का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब ये होता है, रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि जिस चीज को चेंज करना या जिस चीज को शक्ल को डीफॉर्म करना उतना ही क्या हो, मुश्किल हो, ठीक है। देखो मिसाल समझते हैं बात की। देखो आपका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है ना बच्चे, ये बेसिकली क्या बताता है, दिस इज के इक्वल्स एफ डिवाइडेड बाय एक्स, यूनिट एंड न्यूटन पर मीटर। मतलब समझना, आपके स्प्रिंग को एक मीटर खींचने के लिए, एक मीटर एक्सटेंड करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। इससे ज्यादा आसान डेफिनेशन मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये। अब देखो जो स्प्रिंग जितना रिजिड होगा ना, उसको एक मीटर घसीटा मारने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। जो मीटर जितना पतला होगा, बारीक होगा, रिजिडिटी कम होगी, अल्टीमेटली उसको घसीटने के लिए उतनी कम फोर्स चाहिए होगी। दिस ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन रिजिडिटी। अगर आप स्प्रिंग को कट करते जाओ ना, अगर आप स्प्रिंग को कट करते जाओ तो याद रखना जो उसकी रिजिडिटी है ना, वो बेसिकली क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी सिंपल सी मिसाल है, एक कागज है, उसको आप फाड़ो तो जो छोटे छोटे कागज होंगे ना, उनको मजीद फाड़ना मुश्किल होता जाएगा, आखिर टाइम पे वो इतना छोटा हो जाएगा कि फोर्स अप्लाई करना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये एक केस था।
या इसी तरह से आपके पास ये जो स्प्रिंग होते हैं, ये जो आपके पास स्प्रिंग होते हैं, या तो ये स्प्रिंग आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, या ये स्प्रिंग आपके पास सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे रेजिस्टर और कैपेसिटर का हिसाब किताब नहीं होता, वैसे ही होता है। याद रखना, ये जो आपके पास स्प्रिंग है ना, ये पैरेलल और सीरीज में वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपके पास कैपेसिटर्स करते हैं। कैपेसिटर्स अगर आपको याद होगा ना, तो कैपेसिटर्स सीरीज के अंदर इस तरह से ऐड होते हैं, शायद याद हो। माशाल्लाह, सीरीज लिख दिया ये, ठीक है। वन अपॉन, ओ भाई साहब, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू अप टिल वन अपॉन सी एन। आपका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो भी ऐसे ही ऐड होता है, यानी कि अगर काफी सारे स्प्रिंग्स आपके सीरीज में लगे हुए के वन के टू के थ्री, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, इस तरह से चलेगा अप टिल वन अपॉन के एन। यानी कि सीरीज में कनेक्ट करने पे जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ओवरऑल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट अवे कैपेसिटर्स की तरह क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। पैरेलल में ये सीन होता है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू अप टिल के एन। ये आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिजिडिटी के ऊपर। ठीक हो गया जनाबे वाला। अच्छा, अब इसके अंदर ही अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा, अच्छा माइनस साइन तो समझ में आती होगी ना, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स आ रही है, दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आप कह सकते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज एंटी पैरेलल, या एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। ठीक है जनाब। अब अगर मैं इनको इक्वेट करता हूं तो भाई साहब ये बनता है एम ए विल बी इक्वल टू माइनस का के एक्स, यानी कि ए विल बी इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स। और यहां पे अगर आप देखोगे तो जो चीज कांस्टेंट के तौर पे निकल करके आती है, दैट कांस्टेंट इज बेसिकली के डिवाइडेड बाय एम। ठीक हो गया, ये होता है। अब इसी तरह से जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, अच्छा इसके आगे के फॉर्मूले भी आएंगे थोड़ी देर में, इसी तरह से हमारा जो सिंपल पेंडुलम होता है, जिसके ऊपर हमने अपना पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया है अभी अभी, ये सिंपल पेंडुलम भी बेसिकली हमारे पास SHM परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम की SHM के अंदर ना सिर्फ एक कंडीशन है जो आपके जहनों में रहनी चाहिए जब भी आप इसको पढ़ रहे हो, वो कंडीशन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखो, ये मान लो सिंपल पेंडुलम है, और एज यूजुअल ये सिंपल पेंडुलम भाई साहब क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। मान लो ये सिंपल पेंडुलम इस वक्त यहाँ कहीं पे मौजूद है, कोई लाजमी नहीं है कि ये एक्सट्रीम पोजिशन हो, एक्सट्रीम पोजिशन यहाँ कहीं पे है, ठीक है, ये वैसे ही है बस, ये कोई पोजिशन है यहाँ पे अभी सिंपल पेंडुलम मौजूद है। अल्टीमेटली इस वक्त इसने वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाया हुआ है, दैट इज थीटा। यहाँ पे स्ट्रिंग पे यहाँ टेंशन इन स्ट्रिंग एक्ट कर रही होगी, और अल्टीमेटली इसका जो वेट होगा वो वेट ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ऐसे ही है ना, इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रहा होगा। अगर मैं इसके वेट के कॉम्पोनेंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो वेट के सीधे सीधे दो कॉम्पोनेंट्स बन जाते हैं, नजर आ रहे हैं। एक कॉम्पोनेंट वेट का बनेगा जनाबे वाला ऐसा, ऐसे बनेगा एक कॉम्पोनेंट, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, और एक कंपोनेंट जनाबे वाला कुछ इस तरह का बन जाएगा, वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा वाला। इसको मैं कह दूंगा जनाब ये मेरे पास है डब्ल्यू पैरेलल, ये मेरे पास है डब्ल्यू परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आपके पास ये थीटा भी आ गया, ये थीटा आ गया। अच्छा, जब आप थीटा के हिसाब से देखोगे अल्टीमेटली आपको ये नजर आ रहा है कि जो डब्ल्यू परपेंडिकुलर है, दिस विल बी डब्ल्यू कॉस थीटा, जो कि आपको नजर आ रहा है पेंडुलम के मोशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ नलिफाई करने के लिए यूज हो रहा है टेंशन वाले कंपोनेंट को, क्योंकि आपका जो पेंडुलम है वो डब्ल्यू परपेंडिकुलर या टेंशन वाली कंपोनेंट के डायरेक्शन में तो मूव करेगा ही नहीं, ऐसे ही है। हाँ, अलबत्ता जो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पेंडुलम को, ये जो ये पेंडुलम की क्या हो जाएगी, ये पेंडुलम की मीन पोजिशन होगी, वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है पेंडुलम को उसकी मीन पोजिशन पे लेके आने के लिए, वो बेसिकली कौन सी हो जाएगी, डब्ल्यू पैरेलल। तो W पैरेलल जो होगी वो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगी, W साइन थीटा। ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि वो अनबैलेंस फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द पेंडुलम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, ये हमारे पास वो अनबैलेंस फोर्स हो गया जनाबे वाला। अब अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो जनाब बन जाएगा एम ए विल बी इक्वल टू माइनस का W साइन थीटा। W साइन थीटा को आई कैन राइट इट डाउन लाइक एम जी साइन थीटा। अपने पास एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल।
अब हम पढ़ते हुए ना यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं जिसके लिए मुझे डेरिवेशन करानी पड़ गई। हम ये अजम्पशन लेते हैं कि थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है और 5 डिग्री से भी छोटा है, ठीक है। इससे क्या होता है अभी समझ में आएगा आपको। ये अजम्पशन किताब में ना हम दो जगह पे ले रहे होते हैं, एक यहाँ पे ले रहे होते हैं और एक जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट के अंदर वहां भी लेते हैं। इसका फायदा ये होता है अगर थीटा बहुत छोटा होता है ना, और आपकी किताब में ये सिम बोर्ड के अंदर ये मेंशन है कि कितना छोटा होता है, एक और बोर्ड के अंदर ना 10 डिग्री तक भी लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट बोर्ड का नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मेरे लिए थीटा छोटा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि साइन थीटा टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू होती है ये थीटा के बराबर होती है। अब मुझे पता है बहुत सारे होशियार लोग जब ये पढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली कैलकुलेटर में डाल के रखेंगे और आंसर बिल्कुल कैलकुलेटर में डाल के चेक करो, साइन 5 डिग्री निकालना, टेंजेंट 5 डिग्री निकालना, और यहाँ पे जब थीटा रखो ना तो थोड़ा अकल का सबूत देना, और इस थीटा को अगर यहाँ 5 और 5 डिग्री रखा है तो यहाँ पे 5 डिग्री को ना बस रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, और फिर देखना मेरी बात जस्टिफाई हो रही होगी कि ये सारे अप्रोक्सीमेटली कैसे होते हैं, सेम हो जाते, ठीक है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई होता है 3.142। तो हम ये मान के चलते हैं कि थीटा बहुत छोटा है, जब थीटा बहुत छोटा है तो आप साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये डेरिवेशन पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि ये बन जाएगा ए विल बी इक्वल टू माइनस का जी थीटा। अब ये जो जी थीटा होता है अल्टीमेटली इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स अपॉन एल से। ये एक्स अपॉन एल कहां से आता है, ये एक्स अपॉन एल आता है जनाबे वाला, ये देखो यहां से एस इक्वल्स आर थीटा से आता है। एस होता है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ कहां से है? देखो हम मानते हैं कि ये जो पेंडुलम ने डिस्टेंस कवर किया है ना, दिस इज बेसिकली क्या एक्स, और जो यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये आर के बराबर है। और हम मानते हैं ये पूरा एक अदद हमारे पास क्या है, सर्कल है। ये पूरा एक अदद क्या है जनाब, ये सर्कल है पूरा, यानी कि मैं थोड़ा अगर बना के दिखा दूं ना, ये पूरा एक अदद क्या है, ये सर्कल है। इसमें से ये एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया, ये आपके पास क्या है आर है, ठीक है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, एस इक्वल्स आर थीटा, एस की जगह पे एक्स आता है, आर की जगह पे लेंथ ऑफ पेंडुलम आती है, थीटा थीटा रहता है, थीटा विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो मैंने यहाँ पे थीटा को क्या कर दिया, थीटा को यहाँ पे मैंने एक्स अपॉन एल यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ए इक्वल माइनस का जी अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। ये डेरिवेशन बताना जरूरी इसलिए ताकि मैं आगे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकूं। ये हो जाएगा जनाब माइनस का जी अपॉन एल इंटू एक्स। तो वंस अगेन यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, जी अपॉन एल इज द कॉन्स्टेंट, जी अपॉन एल कॉन्स्टेंट। यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट था, के अपॉन एम, क्योंकि A is directly proportional to minus x, तो मेरी equation है ना, उससे compare करके देख रहा हूँ कि यहाँ पे constant कौन सा है। ये हो गया constant, ठीक है, ये हो गया। अब pendulum में एक चीज और याद रखना, ऐसा pendulum जिसका time period 2 सेकेंड होता है, यानी कि वो 2 सेकेंड में अपने जिसे कहना चाहिए ना चक्कर मुकम्मल करता है, ऐसे pendulum को हम कहते हैं seconds pendulum। और इस chapter के भी numerical बहुत अहम है करने के लिए, और numerical में वही करना है, end of chapter problem करने और पास पेपर करने, अगर आप ईकेट सिंध के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमडी केट के लिए या नर्स वगैरह के लिए कर रहे हो तो फिर आपको बाकी चीजें भी करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका जर्नल केस होता है ना, वो जर्नल केस से हम सब फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। देखो जर्नल केस हमारे पास क्या होता है, अगर कुछ याद होगा, ये हमारे पास एक अदद इस तरह का सर्कल होता है, इस सर्कल के ऊपर हम ऐसे एक्स और वाई एक्सिस मार्क कर देते हैं, हम कहते हैं ये जनाब इसके ऊपर एक्स और वाई एक्सिस आ गए। फिर हम ये मानते पे चलते हैं इसके ऊपर कोई एक पॉइंट मास है, वो पॉइंट मास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, और अल्टीमेटली इस पॉइंट मास का जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन मतलब जो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, जो इसका प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस के ऊपर या डायामीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, ये प्रोजेक्शन बेसिकली टू एंड फ्रो मूव करता है। प्रोजेक्शन क्या कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है। तो हम ये साबित करते हैं, पूरी डेरिवेशन करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। शायद याद भी आ रहा होगा पेपर में ये डिटेल क्वेश्चन आता था कि इफ अ पॉइंट मास इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल देन प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके जब हम फॉर्मूले ड्राइव करते हैं ना, ये फॉर्मूले आते हैं, ए इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, या वी इक्वल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वी इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे अगर आपने इसका फर्रा नहीं बनाना तो। सिमिलरली टी इक्वल्स 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, या एफ इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय टी, ये सब हम पढ़ के आते हैं इसके अंदर। अब देखो इन्हीं सारे फॉर्मुलों को मैं
अप्लाई कर रहा हूं किस पे, मास स्प्रिंग सिस्टम पे पहले, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम के ही मेन है, ठीक है। और यहां पे भी देख लो जर्नल केस के अंदर आपके पास ना कांस्टेंट बेसिकली क्या चीज है, ठीक है। अच्छा मजेदार बात आपको बता देते हैं कि जितने भी लोग जो होते हैं ना जो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, हमारे कोर्स में तो नहीं है सिंध बोर्ड में, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाने वालों को ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, साइनोसॉइडल रोटेटिंग फेजर्स होते हैं बेसिकली वो भी सारे के सारे, ठीक है, यही चीज होती है सारी। तो इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, देखो ये इक्वेशन है, इसको ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से कंपेयर करो तो पता चल जाएगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ये जो ओमेगा होता है ना, ये जो पॉइंट मास होता है, इस पॉइंट मास की जो कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड होती है ना उसको हम बेसिकली ओमेगा से शो करते हैं। और वो कॉन्स्टेंट क्यों होती है ये सब अब डिटेल्स का पार्ट है, वो जो है ना वो उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या सीन होता है, बल्कि SHM परफॉर्म कर रहा होता है, SHM परफॉर्म कर रहा है मतलब वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है, पीरियोडिक मोशन भी है, ये सब चीजें। और यहां से लेके यहां तक का जो फासला होगा आपका अल्टीमेटली ये रेडियस भी होगा और इसको आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। और अगर मैं ये इस डिस्टेंस की बात करूं, ये बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन किसी भी लम्हे, ठीक है। तो ये हो गया, अब कॉन्स्टेंट है। अब अगर मैं यहां पर मास स्प्रिंग सिस्टम के फॉर्मूले ड्राइव करना चाहूंगा, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए सबसे पहला काम मैंने ये किया कि कॉन्स्टेंट्स को आपस में कंपेयर कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को आपस में कंपेयर कर दिया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू के अपॉन एम। सही है भैया, ये कहां चला गया, ये के अपॉन एम को किसके बराबर ले आया मैं, ओमेगा स्क्वायर के बराबर ले आया। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या बन गया, ओमेगा का वैल्यू बन जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। अब देखो बस सारे फॉर्मूले ड्राइव हो गए, बस मसला खत्म, इतना सा काम था। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह के अपॉन एम इंटू एक्स। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, अंडर रूट के अपॉन एम, और बाकी अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे, टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा क्या है, अंडर रूट के अपॉन एम। अब यहां जहां पे हमारे पास अंडर रूट पलटेगा तो क्या बन जाएगा, टू पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एम अपॉन के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल होती है, तो वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के अपॉन एम, क्योंकि ओमेगा अपॉन टू पाई बन जाएगा ना, तो ये बन गया, फॉर्मूला ड्राइव हो गए सारे। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोले बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है कहां पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे हमारा एक्स क्या होता है, जीरो होता है। पुट कर लो यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए, अंडर रूट के अपॉन एम एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, एक्स नॉट अंडर रूट में क्या आ जाएगा जनाब, के अपॉन एम आ जाएगा, यानी कि एक्स नॉट ओमेगा बन गया ये चीज। इसी तरह से वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछेगा लिखेंगे क्या मसला है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मेन निकालना सीख लो कैसे निकाले थे मैंने, माइनस का के अपॉन एम। एक्सेलरेशन कहां मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजिशन पे, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम होती है। क्लियर हो गई ना बात की, फोर्स बढ़ रही है क्योंकि एक्सट्रीम पोजिशन का एक्स नॉट हो जाता है, बन गई ये कहानी भी, बस सिंपल था ये भी। इसी तरह से मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ना कुछ एनर्जीज की इक्वेशन भी होती है जो पेंडुलम में नहीं होती। एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, वो भी मैं ड्राइव करके बता देता हूँ कहां से आई है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम लिखा है एज इट इज, वी की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो अगर मैं यहां पुट करूंगा ऊपर वी के ऊपर स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा के अपॉन एम, ब्रैकेट में आएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली जो ऊपर रूट था ना स्क्वायर ने इसको काट दिया, एम से एम मर गया, क्या बनता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, माय स्प्रिंग सिस्टम में हम निकालते हैं, दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी होती है, एंड दैट टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी को आप या तो ऐसे लिख लो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, या याद रखना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके ढेरों ढेर न्यूमेरिकल आते हैं पेपर के अंदर करने के लिए। तो इसके बाद मैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा ना, वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं लाजमी, ठीक है? वो वही वाले हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके जो आपके चैप्टर नंबर 8 सिंध बोर्ड के एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम है वो लाजमी करने, और जिसके जितने पास पेपर्स के अंदर कम से कम 10 ईयर्स के अंदर देख लेना जितने सवाल आए हुए हैं, सॉल्यूशन में शेयर करूंगा उसमें। तो खैर मैंने 23 ईयर्स के कराए हुए, इसके बाद वाली वीडियोस होंगी वही सारी, उसमें वो आपने लाजमी सॉल्व करने। अगर ईकेट सिंध के लिए टारगेट कर रहे हो ना, मेहरान एनडी वगैरह को बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, तो एमकेट वालों को भी ये सब करना है और बाकी को भी करना है, ठीक है? क्लियर हो गई है उनको, लेकिन फिर बुक भी पढ़नी है और बहुत कुछ करना है, ठीक है? तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूले थे। अब इसी तरह अगर मैं सिंपल पेंडुलम में चला जाऊंगा, सिंपल पेंडुलम के अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमारे मतलब का होता है, बाकी कुछ भी हमारे मतलब का नहीं है जनाब, ठीक है? तो वही है, कॉन्स्टेंट इक्वेट करो, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी अपॉन एल, यानी कि ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल। अगर बोला जाए एक्सेलरेशन बताओ, तो ए था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, बन गई वही चीज। अब टाइम पीरियड क्या था, टू पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाय जी अपॉन एल, पलटेगा तो बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे आप एक चीज वाजे देख लो कि क्या टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में कहीं पे मास ऑफ पेंडुलम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो याद रखना, टाइम पीरियड इज इनडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, इज इनडिपेंडेंट ऑफ द मास, टाइम पीरियड इज इनडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, ठीक है? अक्सर आपसे पूछता है कि यार आपने एल्यूमिनियम का स्फीयर यूज किया, आपने ब्रॉन्ज का स्फीयर यूज किया, या आपने मरकरी भरा, मरकरी आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन हो रहा है, तो ये सब बातें बेकार हैं हमारे लिए। बेकार इसलिए हैं क्योंकि भैया अल्टीमेटली वो जिसे आपको कहना चाहिए ना, वो उसके अंदर वो ही नहीं हो रहा, मास का फर्क ही कोई नहीं पड़ा, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है या जी पे डिपेंड कर रहा है, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसके अच्छे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, अमूमन ईकेट सिंध में नहीं बनते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जो हमने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे ना, कि जब हम किसी सर्टेन हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, ऐसे ही चेंज हो जाता है ना, अल्टीमेटली वहां पर टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा आपका। तो वो आपको बोले कि भाई मिसाल के तौर पर मैं इतना ऊपर ले गया, आप बताओ नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो पहले आप बताओगे मैं जी कितना चेंज होगा, उसके लिहाज से बताओगे टाइम पीरियड कितना चेंज होगा। जो आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शेयर करूंगा उसमें सब चीजें मैंने कराई हुई है, ठीक है? ये टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी वाला हिसाब किताब है वो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 1/2π अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय एल। ये हमारा सिंपल पेंडुलम का गेम था भाई, ठीक है? तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 वेव्स मोशन एंड साउंड का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला पार्ट है, ऑसिलेशन वाला पार्ट है, वो मुकम्मल होता है, हर तरह से मुकम्मल होता है, ठीक है? अब इसके अंदर आपने क्या करना है भाई, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करोगे तो वो सब बेकार है, पूरा नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब भी जो इसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं वो लाजमी करने हैं सिंध बोर्ड के, ठीक है? ई कैट सिंध वालों के लिए यही बहुत है, जो एम कैट वाले हैं या ई कैट अदर्स वाले हैं वो इसमें किताब भी पढ़ेंगे, बाकी बोर्ड के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? ईकेट सिंध वालों के लिए सिर्फ ये बहुत है, ठीक हो गया? और जो पास पेपर्स आए हुए सिंध बोर्ड के वो भी आपने लाजमी सॉल्व करना, ठीक है? यहां पे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म होता है, उम्मीद है समझ में आ